इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य एलवन की शुरुआत हो चुकी है। इसरो ने सोलर मिशन आदित्य एलवन को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से मिशन आदित्य को लॉन्च किया गया। अब कुछ देर में अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा। सोलर मिशन आदित्य एलवन का तीसरा चरण भी कामयाब हो चुका है, यानी कि आज से ठीक 127 दिन के बाद ये पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत बड़ी कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। ये मिशन सूर्य की स्टडी करेगा। 11:50 पर PSLV C-57 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ देगा। और आपको ये भी बताएं, आदित्य स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी वजह से यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। यही ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। कंग्रेचुलेशंस, द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट हैज बीन इंजेक्टेड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट of 235 by 19,500 kilometer, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए सनशाइन मोमेंट है। Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. By opening up new vistas for India's space sector and telling us the sky is not the limit. और आदित्य L1 की सफल